अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू चैप्टर्स प्रिपरेशन कंपैरेटिव एग्जाम। दोस्तों, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम एटॉमिक एनर्जी की जॉब्स के बारे में बात करेंगे, और जो कि अनाउंस हुई हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने वीडियो को गौर से देखना है, एंड तक वीडियो देखनी है और वीडियो को स्किप नहीं करना। तो डिटेल वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल जॉब टेस्ट प्रिपरेशन कंपेटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको डेली बेस पर हमारे चैनल की अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। तो टाइम वेस्ट की बगैर जो है वो हम चलते हैं डिटेल जो है वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ये वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की है, और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ने जो है वो सिस्टम मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक केमिकल और मेटलर्जी की सीट्स जो हैं वो अनाउंस की हैं, और ये BPS 17 के इक्वलेंट सीट्स हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर हैं, और इसकी अप्रॉक्सीमेटली पे जो है वो 90,000 पर मंथ है। इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है वो BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BSc इंजीनियरिंग इन रेलिवेंट फील्ड विद फर्स्ट VN, यानी अगर आपने असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए करना है तो आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक BSc इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, केमिकल के लिए तो केमिकल और मेटलर्जी के लिए मेटलर्जी की, और एक्सपीरियंस जो है वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस प्रेफर किया जाएगा। मिसकेलेनियस इन्फॉर्मेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी, सर्विस अलाउंस, ग्रेजुटी हाउसिंग, हाउसिंग फैसिलिटी, पिक एंड ड्रॉप, मेडिकल पैकेज एज पर रूल, और जो है वो स्क्रूटनी की जाएगी कैंडिडेट की, सिलेक्शन जो है वो कैंडिडेट के तमाम डिप्लोमाज और डिग्रीज जो हैं वो वेरीफाई की जाएंगी, एज लिमिट 18 से 35 साल है, और गवर्नमेंट सेक्टर वाले प्रॉपर चैनल NOC लेकर अप्लाई करें। वन सेकेंड क्लास जो है वो पूरी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल है, एक से ज़्यादा जो है वो सेकेंड DVN अलाउ नहीं है। डिग्रीज जो है वो HSC और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। लास्ट डेट जो है के ऊपर आपकी एलिजिबिलिटी को जो है वो काउंट किया जाएगा। इंडिविजुअल जो है वो डुअल नेशनैलिटी रखते हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, और एप्लीकेशन के ऊपर आपने कम्प्लीट अकेडमिक क्वालिफिकेशन, डिग्रीज, डिप्लोमाज जो हैं वो एप्लीकेंट ने मैंशन करना है, और एक्सपीरियंस जो है वो एट अ टाइम ऑफ आपने जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो आपके पास एक्सपीरियंस है वो भी मैंशन करना है। ऑर्गेनाइजेशन के पास रिजर्व राइटिंग और नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज या डिक्रीज या किसी भी एडवर्टीजमेंट को विद होल्ड या सूटेबल कैंडिडेट्स को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकती है। TADA टेस्ट और इंटरव्यू के लिए एडमिसिबल नहीं है, और एप्लीकेंट के लिए रिक्वायर्ड है कि वो ऑनलाइन अप्लाई करें थ्रू वेबसाइट www.careersjobs1737.com के ऊपर 27 जून से पहले पहले। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, वी वेलकम सो इन इंशाल्लाह मोर, प्लीज सब्सक्राइब अस, लाइक अस एंड शेयर अस।